हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक। हम फर्स्ट लेक्चर के अंदर फ्रिक्शन के बारे के अंदर बातचीत कर रहे थे, आप स्टडी कर रहे थे, और फ्रिक्शन की जो है थ्योरी अपन ने डिटेल से समझी थी कि क्या एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, लॉ ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन क्या होता है, ठीक है। और अगर इंक्लाइन प्लेन के ऊपर है तो उसकी मोशन की स्टडी की थी। फिर इसके बाद में वेज वगैरह है, उसके बारे में हमने विस्तार से स्टडी की थी, ठीक है। और ये एक न्यूमेरिकल जो है वो अपन ने पिछले लेक्चर के अंदर सोल्व किया था कि जो है अगर कोई बॉडी है उसका वेट W है और उसके ऊपर फोर्स 2.4 न्यूटन लग रहा है, ठीक है, तो आपको इसके अंदर जो घर्षण कोण यानी कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन लैम्ब्डा निकालना है। तो इसके अंदर अपन ने किया था कि लिमिटिंग कंडीशन के अंदर है तो एफ इजिकल टू म्यू आर होगा, और म्यू की वैल्यू जो है आपको ऐसे निकालनी है। म्यू की वैल्यू जब निकालोगे आप तो इसके बाद के अंदर जो लैम्ब्डा की वैल्यू है वो आपको 10 λ = 10^0.4 उसको करके कैलकुलेटर से ऐसे निकालना, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन जो है वो ये कह रहा है कि आपके 30 डिग्री झुकाव कोण के नत रुक्ष समतल पर यानी कि इंक्लाइन प्लेन है उसके एंगल कितना है, 30 डिग्री है, पर 400 न्यूटन भार का पिंड सीमांत संतुलन में पड़ा है यानी कि उसका वेट कितना है, 400 न्यूटन है, और वो क्या है, लिमिटिंग इक्विलिब्रियम के अंदर है। तो आप ध्यान रखिए कि लिमिटिंग इक्विलिब्रियम के अंदर जो है म्यू इक्वल टू 10 λ होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या कह रहा है, समतल का झुकाव कोण अब 45 डिग्री कर दिया जाता है, पिंड को समतल के ऊपर चल भर देने के लिए समतल से 20 डिग्री का कोण पर लगाया जाने वाला बल ज्ञात कीजिए। यानी कि पहले आपको क्या दिया गया है क्वेश्चन के अंदर कि लिमिटिंग इक्विलिब्रियम के अंदर जो है एंगल अल्फा दिया गया है, ठीक है, और फिर उसके बाद में उसने ये कहा है कि अब जो है पिंड जो इंक्लाइन प्लेन है उसका एंगल क्या कर दिया इन्होंने, अब 45 डिग्री कर दिया है, ठीक है। उस टाइम में अब आपको क्या करना है कि आप जो फोर्स है वो 20 डिग्री के ऊपर लग रहा है, ठीक है, कितने पे लग रहा है, 20 डिग्री पे लग रहा है, ठीक है। यहाँ से पी की वैल्यू जो है ये एंगल जो है वह 20 डिग्री है, तो आपको जो है क्या निकालना है, ये पी की वैल्यू निकालनी यानी कि फोर्स है वो निकालना है, यानी कि आपके जो है इसकी गति क्या है, ऊपर की दिशा के अंदर है, इस पिंड की गति इंक्लाइन प्लेन पे कितनी है, ऊपर की दिशा के अंदर है, और तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, म्यू आर डाउनवर्ड दिशा के अंदर लगेगा। तो आपको पी का हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट करना, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पी कोस 20 डिग्री, वर्टिकल कंपोनेंट पी साइन 20 डिग्री हो जाएगा, ये पी के कंपोनेंट हो गए। इसी तरह से आपको डब्लू का जो है कंपोनेंट आपके वर्टिकल दिशा के अंदर 400 cos 45 डिग्री हो जाएगा, और इस दिशा के अंदर 400 sin 45 डिग्री हो जाएगा। तो आपको पहली कंडीशन, मैंने क्वेश्चन को जब अपन पढ़ रहे थे या रीड कर रहे थे, ठीक है, तो मैंने बताया आपको कि जो है एंगल जो है आपके जो है एक तो लिमिटिंग कंडीशन के अंदर जो है अल्फा और लैम्ब्डा का मान क्या होता है, बराबर होता है, जो कि फर्स्ट के अंदर दे रखा है, तो आपको म्यू की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो पहला पार्ट आपके म्यू हो गया, फिर हमको क्या करना है सेकंड के अंदर जो है ये पूरी जो आपके डायग्राम दे रखा है इक्विलिब्रियम कंडीशन वाले का, इसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट के अंदर उसको बराबर करना है, ठीक है। तो आपको इसके अंदर क्या किया, इसको हॉरिजॉन्टल कर दिया और वर्टिकल कर दिया, ठीक है। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल करने के बाद में हमको क्या करना है कि इन दोनों के अंदर जो है इसको सॉल्व करना, ठीक है। अब एक कंडीशन आएगी जहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, जो ये म्यू की वैल्यू अपन ने लिखा ली है, ठीक है, जो म्यू की वैल्यू लिखा ली है म्यू इज इक्वल टू 10 30 डिग्री, ठीक है, तो आपको इसकी वैल्यू पुटअप करनी है। तो जब आप पुटअप करेंगे तो आपको पी की वैल्यू ये इस प्रकार ये आ जाएगी। तो इस वाले क्वेश्चन के अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि लिमिटिंग कंडीशन के अंदर है कि म्यू इज इक्वल टू 10 λ हो गया, ठीक है, और आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दिशा के अंदर एंगल निकाल वो कंडीशन को पुटअप करना है, दो इक्वेशन लगानी है। दो इक्वेशन लगाने के बाद के अंदर जो है आपको इस प्रकार इसको सॉल्व करना है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जो है, दूसरा क्वेश्चन वेज का दे रखा है कि एक कुल्हाड़ी का उपयोग, कुल्हाड़ी एक क्या है, वेज है, वो दो तिरछी होती है जो कि दो इंक्लाइन प्लेन से बनी हुई होती है, ठीक है। तो कुल्हाड़ी की धार का आंतरिक कोण
30 डिग्री तथा घर्षण कोण 10 डिग्री, यानी कि जो एंगल अल्फा है वो 30 डिग्री है और घर्षण कोण लैम्ब्डा है वो 10 डिग्री है। कुल्हाड़ी को लकड़ी में धंसाने तथा बाहर निकालने के लिए आवश्यक बल ज्ञात कीजिए यदि लकड़ी का प्रणोद, ठीक है, 300 न्यूटन हो, यानी कि जो पी की वैल्यू है, थ्रस्ट है, वो कितना है, सॉरी प्रणोद इसका वेट, थ्रस्ट मतलब डब्लू, डब्लू का मान कितना है आपके 300 न्यूटन है। तो आपको क्या करना है, डब्लू आपको दे रखा है, ठीक है, थ्रस्ट दे रखा है आपको, एंगल अल्फा दे रखा है आपको, ठीक है, एंगल अल्फा जो है डबल इसके अंदर दोनों का दे रखा है आपको, जब ये वाला इसको ऐसे करेंगे अपन तो इसके अंदर दोनों का दे रखा है, ठीक है। तो आपको क्या है, इसका आधा करना है, पूरा आंतरिक कोण दे रखा है, ना कि जो है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दे रखा है, तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इसका आधा हो जाएगा। तो आपको इसके अंदर क्या करना है, 15 डिग्री रखना है लैम्ब्डा का मान, और सॉरी अल्फा का मान, और लैम्ब्डा 10 डिग्री दे रखा है। तो अपना जब थ्योरी पढ़ रहे थे अपन, तो अगर कुल्हाड़ी को अंदर की तरफ पुश करते हैं तो आवश्यक बल जो है वो पी इजिकल टू 2W10 एल्फा प्लस लैम्ब्डा होगा, ठीक है। आपको डब्लू की वैल्यू दे रखी है, अल्फा अपने लिखा ले लिया, लैम्ब्डा दे ही रखा है, तो आपको इसके अंदर वैल्यू पुट अप करके इसके अंदर इसका जो जो फोर्स जो है जो अपन को लगाना है वो आपको निकालना है। इसी तरह से अगर बाहर निकालना है, अब ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि बाहर निकालना है, तो बाहर निकालने के लिए हम जनरली क्या करते हैं, यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगाते हैं, ठीक है। लेकिन माइनस का चिन्ह जब लगाते हैं, जब अगर लैम्ब्डा की वैल्यू इससे सॉरी अल्फा की वैल्यू जो है लैम्ब्डा से ज़्यादा हो, सॉरी कम हो, तब लगाते हैं, ठीक है। तो अगर आपके एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो है वो एंगल ऑफ फ्रिक्शन से ज़्यादा होगा, तब उस खिलाड़ी को बाहर निकालने के लिए किसी भी बल की आवश्यकता नहीं होगी, तब उस खिलाड़ी को बाहर निकालने के लिए किसी भी बल की आवश्यकता नहीं होगी। इस कंडीशन को ध्यान से रखना है कि अगर लैम्ब्डा की वैल्यू अल्फा से ज़्यादा हो तो उसको निकालने के लिए किसी, यानी कि आपके अल्फा की वैल्यू अगर लैम्ब्डा माइनस करता हूँ तो पॉजिटिव आती है, तो आपके जो है बाहर निकालने के लिए किसी भी नहीं होगी, क्योंकि क्रिया प्रतिक्रिया के हिसाब से पी की वैल्यू अंदर दसाते हैं तो प्लस आनी चाहिए और उसके बाद में बाहर निकालते माइनस, अगर यहाँ माइनस आएगा तभी उस एफर्ट निकालने के लिए आवश्यकता होगी, वरना नहीं होगी। तो आपके लैम्ब्डा जो एंगल एंगल इंक्लिनेशन एंगल है वो एंगल ऑफ फ्रिक्शन से ज़्यादा होगा, तब जो है कुल्हाड़ी को बाहर निकालने के लिए किसी भी बल की आवश्यकता नहीं होगी। थैंक यू।